पूर्व में ठंड प्रदेशों में सेब उगाया जाता था, लेकिन गर्म प्रदेशों के लिए कोई वैसी वैरायटी नहीं थी जो गर्म प्रदेशों में लोग को सेब का आनंद मिल सके। लेकिन जब से एचआरएमएन 99 की प्रजाति आई, हमें मालूम चला, तो उसे हमने मंगाकर हिमाचल से मंगाकर यहाँ 3 साल पूर्व हमने लगाया, और पिछले वर्ष भी 4 फल लगे थे लेकिन वो ड्रॉप हो गए थे। इसके बाद इस बार पूरा फ्लावरिंग हुआ और काफ़ी अच्छे फल लगे हैं, लगभग 10-12 फल एक पौधे में इस बार आए हैं, चूँकि फर्स्ट टाइम है। आमतौर पर सेब ठंडे जलवायु का फल माना जाता है, मगर मुजफ्फरपुर जिले में प्रयोग के तौर पर शुरू की गई सेब की बागवानी को सफलता मिली है। इससे मुजफ्फरपुर जैसे गर्म जगहों पर भी सेब की बागवानी का नया अध्याय शुरू हो गया है। सेब के उत्पादन में शहर के युवा वैज्ञानिक अविनाश को कामयाबी हासिल हुई है। हरिमन 99 प्रजाति के सेब की पहली बार पौधे लगाए गए हैं, जिसमें इस बार फल आया है। बटौलिया मुजफ्फरपुर बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में इसे लगाने वाले अविनाश ने बताया कि गर्म प्रदेश में भी ये लगाया जा सकता है। यहाँ पहली बार हरिमन 99 सेब फला है। 45 डिग्री टेम्परेचर पर भी इसका उत्पादन हो रहा है। 2 साल में फल आना शुरू हो जाता है। अमूमन इसका साइज 200 से 250 ग्राम होता है। लाल और हरे रंग में ये सेब फलता है। इसका टेस्ट मीठा और थोड़ा सा खट्टा होता है। अविनाश ने बताया कि इसका पौधा 6 महीने में तैयार हो जाता है। एक पौधे से कई पौधे इसी तरह से तैयार होते हैं। अविनाश ने बताया कि उसने 10 पौधे लगाए थे, एक पौधे में लगभग 40 से 50 फल आए हैं। मुजफ्फरपुर नाव के लिए भावना नायक की रिपोर्ट। नमस्कार, मैं आपके साथ भावना नायक और आप देख रहे हैं मुजफ्फरपुर नाव। आज ऐसे जगह पे आप सभी दर्शकों को मैं लेके आई हूँ जो फल की यहाँ पे सेब के जलवायु जो ठंडे जलवायु में जो उत्पन्न होती है, लेकिन आज मुजफ्फरपुर भचोलिया बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट में सेब की उत्पादन की गई है और यहाँ पे कई सारे बागवानी आपको दिखाने वाले हैं कि सेब किस तरीके से उत्पादित की गई है। मुजफ्फरपुर में खास करके ये नई उत्पादन की गई है और आपको बता दें कि 45 डिग्री होने के बावजूद, इतनी टेम्परेचर होने के बावजूद यहाँ पे सेब की उत्पादन की गई है और किस तरीके से गई है आप देख पा रहे होंगे मैं हमारे वीडियो के माध्यम से कि किस तरीके का जो है यहाँ पे बागवानी किया गया है। और ये पहली बार ऐसा हुआ है, बहुत बार प्रयास करने के बाद इस बार जो है पौधे जो है फल देने लायक हो चुके हैं। हमारे साथ बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक हैं, उनसे बात करेंगे अविनाश, जिससे कि आखिर इसको बनाने में, इसको करने में, ये बागवानी लगवाने में कितना प्रयास उन्होंने किया है। नमस्कार आपका अविनाश। हमने यहाँ पे 3 साल पहले पौधा लगाया था लाके, और ये एचआरएमएन 99 प्रजाति का सेब है। पूर्व में ठंड प्रदेशों में सेब उगाया जाता था, लेकिन गर्म प्रदेशों के लिए कोई वैसी वैरायटी नहीं थी जो गर्म प्रदेशों में लोग को सेब का आनंद मिल सके। लेकिन जब से एचआरएमएन 99 की प्रजाति आई, हमें मालूम चला, तो उसे हमने मंगाकर हिमाचल से मंगाकर यहाँ 3 साल पूर्व हमने लगाया, और पिछले वर्ष भी 4 फल लगे थे लेकिन वो ड्रॉप हो गए थे। इसके बाद इस बार पूरा फ्लावरिंग हुआ और काफ़ी अच्छे फल लगे हैं, लगभग 10-12 फल एक पौधे में इस बार आए हैं, चूँकि फर्स्ट टाइम है। और ग्राफ्टिंग विधि से तैयार किया गया पौधा है। पौधे लगाने के बाद एक चीज़ इसमें होना, अपने यहाँ हमने देखा है 3 सालों में ये अध्ययन किया है कि जहाँ ज़्यादा पानी लगता हो वहाँ पौधा सरवाइव नहीं करता। अच्छा, ऐसा अविनाश जी कहा जाता है कि ये जो है ठंडे जलवायु का पौधा ये माना जाता है, फल माना जाता है, लेकिन यहाँ 45 डिग्री होने के बावजूद आपने कैसे सोचा है कि यहाँ पे हो पाएगा? निश्चित रूप से पूर्व में ठंड प्रदेशों में ही सेब हुआ करता, अभी भी अच्छे अच्छे सेब ठंड प्रदेशों में हुआ करते हैं, लेकिन जब शोध हुआ हमें मालूम चला कि नहीं, अब गर्म प्रदेशों में भी सेब की खेती की जा सकती है और हरिमन 99 प्रजाति इसके लिए अनुकूल है। साथ में एक डोरसेंटा और एकन्ना, ये 2 वेराइटी भी अनुकूल है, तो हमने अपने यहाँ लाकर उसे लगाया कि पहले कोशिश करते हैं कि क्या होता है। लेकिन लगाने के बाद अब रिजल्ट सबके सामने है, आप लोग के सामने दिख रहा है, और उम्मीद है टेस्ट भी अच्छा, जो गर्म प्रदेशों में पूर्व में हो रही है वहाँ का टेस्ट अच्छा है, तो निश्चित रूप से हम लोग के यहाँ और किसानों को यहाँ एक रास्ता मिलेगा इसके माध्यम से। ये प्रयास कब से जारी है?
तीन वर्ष पूर्व से ही हमने इस पे प्रयास करना शुरू किया, मंगाया बहुत सारे पौधे, सूखे भी। उसके बाद जब हमने लगातार मेहनत की और पौधे अभी अच्छे खासे हो गए, तीन वर्ष पहले का पौधा है, ग्राफ्टिंग तकनीक से तैयार किया गया पौधा है और अभी ये काफ़ी अच्छा प्रोग्रेस कर रहा है और कहीं कोई दिक्कतें नहीं ऐसी जिससे, बाकी तो प्रबंधन जो जरूरी है। और बागवानी के क्षेत्र में आए हैं तो बाकी युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से अगर बिहार जैसे प्रदेशों में, भारत जैसे देशों में अगर कृषि के क्षेत्र में युवा जब तक आगे नहीं आएंगे, क्योंकि हमारी रीढ़ है, कृषि हमारी रीढ़ है, तब तक हमारा देश और प्रदेश मजबूत नहीं होगा, क्योंकि हम इसी के आश्रित हैं। तो ऐसे में हम युवाओं को यही कहना चाहेंगे कि यह एक आय का अच्छा स्रोत है और यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें आय डबल होने में ज़्यादा समय नहीं लगता है, तो उन लोगों को भी इस क्षेत्र में आना चाहिए, उसे उद्योग के रूप में ही लें। मैं नहीं कहता कि कृषि के रूप में करें, इसे एक उद्योग के रूप में करें और बड़ी संख्या में इसे करें तो निश्चित रूप से उनके साथ साथ देश की भी उन्नति होगी, उनकी भी काफ़ी अच्छी होगी। विभाग के तरफ से वैसा कोई अभी सहयोग हमें इस क्षेत्र में नहीं मिला है, लेकिन विभाग के कुछ पदाधिकारी आए थे देखने कि पौधा कैसा है, क्या है यहाँ, इसका क्या स्कोप हो सकता है, उसके वो लोग स्टडी कर रहे हैं और हो सकता है तो सभी किसानों को आगे अनुदान के लिए प्रेरित करेंगे। अगर ये सेब मार्केट में जाता है किसी लोग के बीच में, तो ये अभी निर्धारण करना सही नहीं होगा, लेकिन जो मतलब मार्केट तुलना के हिसाब से अगर देखा जाए तो क्या ये कम होगा या ज्यादा होगा? नहीं, तुलनात्मक हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारा सेब जब मार्केट में मुजफ्फरपुर और बिहार के मार्केट में जाएगा तो बाहर से जो एक्सपोर्ट होकर सेब आता है तो उसे 4-5 दिन सप्ताह भर लग जाते हैं आने में, और हमारा डायरेक्ट किसानों के आज टूटेगा और किसानों को बेचेगा, तो निश्चित रूप से हमारा सेब का कीमत ज़्यादा ही होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, क्योंकि उन्हें ताज़ा फल मिलेगा और तुरंत का फल मिलेगा तो ज़्यादा लोगों का चाहत भी होगा, दर लगभग बराबर या उससे ऊपर ही रहेगा। तो ये थे हमारे साथ अविनाश जी जो बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के संस्थापक है और इनके पीछे ये पूरी कहानी के पीछे, फल लगाने के पीछे, सेब लगाने के पीछे इनका पूरा अध्ययन है और इनसे हमने अभी बात की कि आपने देखा कि किस तरीके से यहाँ सेब की जो उत्पादन की जा रही है और हरिमन 99 प्रजाति के सेब यहाँ पे उत्पादन किए गए हैं और जो कश्मीर साइड में जो फल पाए जाते हैं, सेब पाए जाते हैं और मुजफ्फरपुर में 45 डिग्री होने के बावजूद जो यहाँ उत्पादन की गई है और इनके पीछे काफ़ी लंबी प्रयास उनकी रही है और ये 2 महीने के अंदर फल निकला हुआ है। तो आप देख पा रहे हैं कि मुजफ्फरपुर में जिले में भटौलिया बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट ने कितनी बड़ी सफलता हासिल की है कि जिसके साथ यहाँ पे सेब की उत्पादन की गई है और लगातार यहाँ पे बहुत सारे आम और लीची के पेड़ भी उत्पादन किए गए हैं, लेकिन सेब का उत्पादन होना यहाँ पे ये बहुत बड़ी बात है, खासकर के मुजफ्फरपुर में इतनी हाई टेम्परेचर के बावजूद। बने रहिए हमारे साथ, वैसे और भी अन्य खबरें।